किन बैंक्स पे सबसे ज्यादा एफडी के रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो बैंक बाजार ने हाल ही में सभी सरकारी बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, फॉरेन बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स के एफडी रेट्स को स्कैन किया और उसी डेटा के बेसिस पर हमने आपके लिए कुछ एक डेटा पॉइंट्स आपके सामने रखने की कोशिश की है। बेस्ट बैंक्स और खासतौर पर करंट एफडी रेट्स जो है इनको हमने ध्यान में रखकर एक डेटा निकाला है जिनमें कुछ खास बातें सामने आई हैं। पहली बात ये सामने आई है कि ज्यादातर सभी बैंक्स इस वक्त आपको 7% से ज्यादा का एफडी रिटर्न ऑफर कर रहे हैं। दूसरी बात सामने आई है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और कंपनी एफडीज में बेहतर रिटर्न्स इस वक्त आपको मिल रहे हैं। तीसरी बात ये सामने आई है कि 1 से लेकर 3 साल तक के टेन्योर्स में आपको सबसे बेहतर रिटर्न्स इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। अब आपको रेट्स बताते हैं। प्राइवेट बैंक्स में अगर आप देखें तो बंधन बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक और डीसीबी बैंक आपको 8.5% तक के एफडी रेट्स दे रहे हैं, खासतौर पर सीनियर सिटीजन के लिए जो प्राइवेट बैंक्स में सबसे ज्यादा है। अब सरकारी बैंकों में अगर आप देखें तो टॉप 3 बैंक्स हैं पंजाब एंड सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक, जहां पर 7.8% से लेकर 8.5% तक के रेट्स सीनियर सिटीजन्स को देखने को मिल रहे हैं। हालांकि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में, खासतौर पर यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में रेगुलर डिपॉजिट्स के लिए 9% और सीनियर सिटीजन्स के लिए 9.5% तक का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है एफडीज पर। तो ये तमाम डेटा पॉइंट्स आप ध्यान में रख सकते हैं, बैंक बाजार की वेबसाइट पर जाके और भी डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। राघवेंद्र जी के पास अब लौटते हैं जानने के लिए कि एफडीज को अब किस तरीके से आपको रणनीति यहां पर बनानी है। जैसे कि मैंने अभी कुछ डेटा पॉइंट सामने रखे थे राघवेंद्र जी, आपने भी देखा, फिलहाल दर्शकों को क्या आप बताएंगे कि इन मौजूदा रेट्स पर, ब्याज दरों पर क्या फिक्स डिपॉजिट्स को लॉक कर देना चाहिए या फिर अभी भी ऐसा लगता है कि आगे जाते हुए एफडी के रेट्स और बढ़ सकते हैं, आपकी तरफ से राय क्या रहेगी? देखिए, आरबीआई ने पिछले करीब 1.5 साल में 2.5% से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है ना। जो रेपो रेट, जो आरबीआई जिस रेट पर बैंक्स को लेंड करता है पैसा अपना, वो 4% होता था, अभी वो 6.5% बन गया है। और दुनिया भर में भी सारे जितने सेंट्रल बैंक्स हैं आरबीआई की तरीके से वो भी रेट्स बढ़ा रहे हैं। तो उम्मीद ऐसा लग रहा है कि अगले 6 महीने में शायद 0.5% रेट और बढ़ सकते okay. पर उसके बाद बढ़ने की उम्मीद थोड़ी कम लगती है, क्योंकि अब जैसे ऐसे इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में बढ़ते हैं तो इकोनॉमी की जो ग्रोथ की दर है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। और आज भारत जैसा तो जो देश है, जो बड़ा देश है और इमर्जिंग है और अभी भी डेवलपिंग देश है, डेवलप्ड नहीं है, उसको हाई ग्रोथ रेट्स की ज़रूरत है। इन्फ्लेशन तो थोड़ा बहुत चलता है पर ग्रोथ अच्छी रहनी चाहिए। तो आरबीआई ये नहीं चाहेगा कि ग्रोथ पर इम्पैक्ट हो। तो मेरे ख्याल से इंटरेस्ट रेट्स जो मौजूदा हैं, जो बैंक्स ऑफर कर रहे हैं, इससे मे बी 0.25 या 0.5% एक्स्ट्रा मिल जाएगा, पर उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो इन्वेस्टर्स के पास अगर आज लिक्विडिटी है तो उस उन रेट्स को लॉक करने में समझदार। ठीक है, अब हमने काफी सारी एफडीज की चर्चा कर ली, कंपनी एफडीज, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स के बारे में भी जानकारी ले ली, लेकिन इसके अलावा भी सरकार की भी बहुत सारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं जिनमें भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आमतौर पर इन्वेस्टर्स को मिलता है। फिर चाहे वो सीनियर सिटीजन की स्कीम हो, महिला सम्मान बचत पत्र जो हाल ही में अनाउंस हुई है वो स्कीम हो जो कि अप्रैल से लागू होगी, पीपीएफ हो, इन सभी स्कीम्स में निवेश करना क्या फायदेमंद रहता है या नहीं, ये बताइए जी। पहले तो देखिए साक्षी, जब निवेशक फिक्स्ड इनकम में डाल रहा है तो उसका सबसे पहला कंसिडरेशन क्या होना चाहिए कि मेरी कैपिटल सेफ रहे। बिल्कुल, जस्ट बिकॉज कोई आदमी ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि वो सेफ भी है। ओके, और डिग्री ऑफ सेफ्टी चेंज होते रहते हैं। ओके, जो अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डाल रहे हैं, पोस्ट ऑफिस है तो सबसे ज्यादा सेफ है, अगर पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि प्रॉफिटेबल भी है उनमें डाल रहे हैं तो वो सेफ है, आज बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जो प्रॉफिटेबल हैं वो सेफ हैं। तो सेफ्टी का जो एक 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 अगर एक नक्शा बनाएंगे आप तो हर कंपनी का अलग अलग दृष्टिकोण रहेगा, कौन सा सेफ है, कौन कम सेफ है या कौन ज्यादा सेफ है। ओके, तो पोस्ट ऑफिस जो है क्योंकि क्वाजी गवर्नमेंट है, सरकार डायरेक्टली बोरो कर रही है, पोस्ट ऑफिस जो है सेंट्रल बैंक के, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है, तो इसलिए वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के मुकाबले ही सेफ माना जाता है। और उसमें इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा मिल रहा है आपको, क्योंकि अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको आधा 1% एक्स्ट्रा मिलता है, यू नो सीनियर सिटीजन स्कीम वगैरह में ज्यादा अच्छा मिलता है, मंथली इनकम स्कीम में उसमें भी अच्छा रिटर्न मिलता है। तो हर निवेशक को जब फिक्स इनकम में डाल रहा है, और जो छोटा निवेशक है जहां पर टैक्स का कंसिडरेशन नहीं है,
वहां पर उसको पोस्ट ऑफिस को जरूर देखना चाहिए।